लाजो के घर से आ रही खुशबू बता रही है कि कुछ जायकेदार खाना बन रहा है यहां, लेकिन बात जायके से कहीं आगे निकल गई है। वजह है फोर्टिफाइड खाना बनाने का ये तेल, जो स्वाद के साथ लगा रहा है पोषण का भी तड़का। चूंकि तेल हमारे खानपान का अहम हिस्सा है, इसलिए फोर्टिफाइड तेल कुपोषण नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। फोर्टिफिकेशन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी के लिए आइए चलते हैं एक ऑयल मिल में। खाद्य तेल में फोर्टिफिकेशन का पहला कदम है प्रीमिक्स को 40 से 45 डिग्री तक गर्म करना। 5 मीट्रिक टन खाद्य तेल को फोर्टिफाई करने के लिए 100 ग्राम प्रीमिक्स की जरूरत होती है। आवश्यकता अनुसार प्रीमिक्स और तेल को 1:50 में मिलाकर प्रीब्लेंड बनाने के लिए इसे कुछ समय चर्निंग या विटामिन टैंक में मिलाना चाहिए। फोर्टिफिकेशन का सही समय है तेल में एंटीऑक्सीडेंट डालने के तुरंत बाद। प्रीमिक्स को स्टोरेज टैंक में रखे तेल के साथ 30 से 40 मिनट तक मिलाया जाता है। अब तैयार है हमारा फोर्टिफाइड तेल। इस तरह फोर्टिफाई किए गए हर एक लीटर तेल में विटामिन ए की मात्रा 25,000 आयु और विटामिन डी की मात्रा 2,000 आयु होती है। ये समय है टेस्टिंग सैंपल लेने का। सैंपल लेने के साथ ही इसके लेबल पर सैंपल का नाम, दिनांक, समय, बैच नंबर, नमूने की मात्रा आदि की जानकारी और गुणवत्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस सैंपल से विटामिन्स का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसे रिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का घोल लें, फिर टेस्ट ट्यूब की दीवार के साथ साथ 15 मिलीलीटर फोर्टिफाइड तेल डालें। घोल और तेल के इंटरफेस पर बनी नीले रंग की रिंग तेल में विटामिन ए की उपस्थिति का संकेत देती है। ध्यान रहे, ये नीला रंग केवल कुछ ही समय के लिए इंटरफेस पर विकसित होता है और बहुत अस्थिर है। फोर्टिफाइड तेल में विटामिन्स की वास्तविक मात्रा को जानने के लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए 500 ml सैंपल को NABL अधिकृत प्रयोगशाला में भेजें। इन सभी बुनियादी बातों को ध्यान में रखकर हम खाद्य तेलों में फोर्टिफिकेशन के काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं और कर सकते हैं साकार सपना एक खुशहाल देश का।